हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एड सेक्रेड इंटरनेशनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूँ यूएस के सिस्टम के बारे में, जो कि पिछले दिनों उन्होंने आपको बताया था कि वो अपने यूएस अपॉइंटमेंट एंड एप्लीकेशन के सिस्टम को चेंज करने जा रही है, एंड उसी के बारे में ये वीडियो है। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जिसके लिए ये वीडियो वैल्यूएबल हो सकती है, उसके साथ ये वीडियो को शेयर जरूर करें। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस इन द फ्यूचर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, सो दैट मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन। एंड नॉट ओनली दिस, इसके अलावा हम वीज़ा से रिलेटेड और भी काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम ये दे गई कंट्रीज में डील करते हैं, एंड ये है कुछ सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा और भी सर्विसेज हैं, अगर आप इमिग्रेशन से या वीज़ा से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स मूव इन टू द वीडियो। तो जैसे कि पिछले दिनों यूएस एम्बेसी ने अपडेट किया था कि वो अपने सिस्टम में चेंजेस करने जा रहे हैं फ्रॉम 26th of July से 29th of July तक। एंड वो जो सिस्टम है, आज वो अपडेट हो चुका है। एंड उसमें जितने भी एप्लीकेशंस थी जो पुराने सिस्टम में अपडेटेड थी या एप्लीकेशन हुई थी, वो सारी कैंसिल हो चुकी है। एंड जो भी एप्लीकेशन, जो भी पर्सन इंटरव्यू के लिए अपेयर होना चाहता है या वीज़ा के लिए इंटरव्यू अपेयर होना चाहता है, तो उसको वो एप्लीकेशन फिर से करनी पड़ेगी फ्रॉम द स्टार्टिंग। ही हैज़ टू प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स जो भी उसने पहले प्रोवाइड की थी। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि क्या हमको एम्बेसी फीस फिर से पे करनी पड़ेगी। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आपने ऑलरेडी एम्बेसी फीस पे कर दी है और अपने रिसीप्ट नंबर अपने अकाउंट में लॉगिन कर दिया था, एड ऑन कर दिया था, देन आपको अगेन अपनी एम्बेसी फीस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड योर डिटेल्स, यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग द प्रोफाइल, एंड आप अपनी स्लॉट बुकिंग का प्रोसेस कैरी ऑन कर सकते हो। बट अगर उन लोगों की बात करें जिन लोगों ने पेमेंट तो कर दी थी लेकिन अपना रिसीप्ट नंबर, जो बैंक रेफरेंस नंबर है, वो अपडेट नहीं किया था अकाउंट में, तो अब उनको अपनी प्रोफाइल क्रिएशन करनी है, नई प्रोफाइल क्रिएट करनी है नए सिस्टम में, एंड वही बैंक रेफरेंस नंबर जो आपने पेमेंट करते समय आपको मिला था, वो उसमें अपने अकाउंट में अपडेट करना है, एंड उसके बाद ही आप अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर पाओगे। तो ये तो था सिस्टम अपडेट के बारे में। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स की। सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी के बारे में और उसमें जो लोग रिफ्यूज्ड कैंडिडेट हैं स्पेशली उनके बारे में। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी स्लॉट पा चुके हैं, क्योंकि पिछले दिनों में हमने भी काफ़ी स्लॉट बुक किया रिफ्यूज्ड कैंडिडेट्स के, बट अभी भी स्टिल बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो रिसेंटली रिफ्यूज़ हो रहे हैं, एंड उनको भी अभी स्लॉट चाहिए। तो स्लॉट बुकिंग के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको जो प्रोफाइल क्रिएशन में प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी विल मेक प्रोफाइल ऑन योर बिहाफ एंड वी विल ऑल्सो डू द फर्दर प्रोसेस ऑन योर बिहाफ। इसके अलावा बात करते हैं B1 B2 कैटेगरी के बारे में। काफ़ी देर से जो B1 B2 कैटेगरी के स्लॉट्स हैं वो ओपन नहीं हुए हैं, स्पेशली टॉकिंग अबाउट द बल्क ओपनिंग। तो जैसे कि ये सिस्टम अपडेट हुआ है, स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी को US एम्बेसी ने काफ़ी अमाउंट में स्लॉट्स दिए हैं। अब एक्सपेक्टेड है कि वो B1 B2 कैटेगरी के तरफ भी ध्यान देगी। आई मीन टू से एक्सपेक्टेड है कि B1 B2 के स्लॉट्स ओपन हो, बट कन्फर्म्ड नहीं है, इट इज़ जस्ट एक्सपेक्टेड। हालांकि मोस्टली हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही हमेशा होता है, एंड आई बिलीव कि इस टाइम भी ऐसा होगा। बट अगर आपको स्लॉट चाहिए, आपको किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए US जाना है, आपको किसी टूरिज्म के लिए जाना है या किसी को विजिट करने जाना है, आपको स्लॉट चाहिए, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एक्सपर्ट टीम विल बुक स्लॉट फॉर यू, जैसे कि हमने बहुत सारे लोगों के लिए पिछले दिनों में किए हैं, तो आपके लिए भी हम स्लॉट बुक करेंगे। सो ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि मैं आपके ये डाउट्स क्लियर करूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो पैनिक हो रहे थे कि उनको अब स्लॉट कैसे मिलेगा, या फिर उनकी प्रोफाइल जो कैंसिल हो चुकी है, फर्दर उनको क्या करना है, उनकी एम्बेसी फीस के बारे में उनको क्वेश्चन थे। सो आई होप कि इस वीडियो से आपके ये क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे, एंड अगर आपके माइंड में और भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ शेयर करिए, एंड फ्यूचर में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।